हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको SSC के रिजल्ट को देखना बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहां पर आपको एक वेबसाइट का नाम टाइप करना है, student.nilet। यहाँ पर आपको लिखना है student.nilet। आप यहाँ पर टाइप करें, ये नाम आप यहाँ पर देख लें student.nilet। सेम आपको ये नाम लिखना है, एंटर बटन प्रेस करें। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहला लिंक आता है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरह में इंपॉर्टेंट वाला नोटिस आता है, आपको इसको कट करना है और यहाँ से आपको आ जाना है रिजल्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है व्यू रिजल्ट पर। अब उसके बाद हमें किसका रिजल्ट देखना है, SSS का। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें SSS कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट SSS, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब SSS के रिजल्ट को आप रोल नंबर से, नाम से और एप्लीकेशन नंबर से, इन सभी की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है वो पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक बार सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ईयर, किस साल आपने पेपर दिया है वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन नेम में आपको टाइप करना रहता है किस मंथ में आपने पेपर दिया, वो मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर में आप तो अपना रोल नंबर लिख देना है, अगर आप रोल नंबर से सर्च कर रहे हैं, नाम से तो नाम, और एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। फिर यहाँ पर आता है DOB में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला यहाँ पर आता है डेट, तो डेट में तो आपको वैसे ही लिख देना है, पर जहाँ पर मंथ है तो मंथ में आपको मंथ का नाम देना है। अगर आपका मई है तो आप मई यहाँ पर लिखें, जून है तो जून लिखें, जुलाई है तो जुलाई लिखें, आपको यहाँ पर मंथ का नाम देना है। और उसके बाद यहाँ पर YY मतलब आपको यहाँ पर कंप्लीट ईयर बता देना है। ईयर का मतलब क्या है, 2000 है तो 2000, 2001 है तो 2000, ऐसे करके आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कैप्चा कोड आता है, जो भी ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद व्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको बता भी देते हैं कैसे आपको देखना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर। तो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आता है नेम, तो यहाँ पर नेम हमारा कौन सा है, नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर फिलअप कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है DOB, तो DOB में यहाँ पर DOB लिख देते हैं। और यहाँ पर कैप्चा कोड आता है, तो यहाँ पर कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर दें। और रिफिल करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर रिजल्ट आप देखें, यहाँ पर सी ग्रेड है, पास है। अब यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ए ग्रेड का मतलब होता है 75 to 84, फिर उसके बाद आप बी पे आते हैं 65 to 74, सी पे आप आते हैं 55 to 64 तक है, डी है, और एस का मतलब होता है 85 to 100। मतलब आपके ग्रेड का ये मेन मतलब होता है यहाँ पर, जैसे जैसे आपके नंबर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने SSS के रिजल्ट को देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।